Welcome to Hungry Spoon. Subscribe to our channel for new recipes and click the bell icon for notification and don't miss a single update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू हंग्री स्पून चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे और खुश होंगे। आज की हमारी रेसिपी मैंगो आइसक्रीम है। जी हाँ, मैंगो आइसक्रीम, घर पर चंद सामानों से बाजार वाला टेस्टी आइसक्रीम आज हम तैयार करेंगे। बच्चे हों या बड़े, हम सभी को इस गर्मी के मौसम में आम की आइसक्रीम फेवरेट होती है। तो आइए इस बेहतरीन मैंगो आइसक्रीम को बनाना शुरू करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी न्यू अपडेट्स मिलती रहे। मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 किलो दशहरी आम लिया है। दशहरी आम का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो 1 किलो हमने आम लिया है। 1 किलो आम को हमने छील लिया। छीलने के बाद मिक्सी ब्लेंडर के जार में डाल के इसको अच्छे से फाइन एक प्यूरी बना लिया है। इस तरह से प्यूरी हमने बना लिया है इसको। और 1 किलो आम हमने लिया है इसमें आइसक्रीम, मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए। और हमें व्हिपिंग क्रीम चाहिए आइसक्रीम बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमने व्हिपिंग क्रीम ले लिया है, इसको व्हिप करेंगे। ये व्हिपिंग क्रीम आपको मार्केट में बहुत ही आराम से लिक्विड में लेना है तो लिक्विड में मिल जाएगा, और नहीं तो आप पाउडर फॉर्म में आता है, आप पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं। आपको बेकरी पे या जहाँ पे मिल्क प्रोडक्ट मिलता है वहाँ पे आपको ये व्हिपिंग क्रीम मिल जाएगा। तो व्हिपिंग क्रीम को हमें व्हिप कर लेना है। व्हिप क्रीम हमारी व्हिप हो गई है, अब हमें इसे हटा लेना है। और ये जो हमने मैंगो प्यूरी बनाकर रखा है मिक्सी ब्लेंडर में, जो प्यूरी बनाया है, जो इसको भी एक बार बीट कर लेंगे। और इसे हमें डाल लेना है। अब इसमें हमें कंडेंस मिल्क मिक्स करना है। अगर आप कंडेंस मिल्क नहीं मिक्स करते हैं तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच, जितना आप मीठा पसंद करते हो 2 से 3 चम्मच इसमें आप पिसी हुई शक्कर मिला लेंगे। अगर पिसी हुई शक्कर अगर आपके पास कंडेंस मिल्क है तो शक्कर नहीं डालेंगे, क्योंकि कंडेंस मिल्क में मीठापन रहता है, काफी अच्छे मीठा रहता है। इसलिए कंडेंस मिल्क अगर आप मिलाएंगे तो शक्कर नहीं मिलाएंगे, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अच्छे से हमें इसको कोट कर लेना है। अब ये जो प्यूरी है ये थोड़ा थोड़ा करके मिला लेंगे। मैंने इसमें कोई भी कलर नहीं डाला है और ना ही मैंगो एसेंस डाला है, क्योंकि ये सीजन का आम है तो काफी मीठा भी होता है और इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। आधा मैं इसमें याले बर्तन में डाल दूंगी, अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें हमें ये क्यूब में कटे हुए कुछ आम है ये डाल देंगे। इसके चंक्स जो आइसक्रीम में आते हैं बहुत ही अच्छा लगता है। आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। अगर आपके बच्चे खाना पसंद करते हो तो आप इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं अपने पसंद का। आइसक्रीम का बैटर ये तैयार हो गया है। अब हमें एक एयर टाइट कंटेनर ले लेना है। हमने यहाँ पे इस तरह का कंटेनर लिया है। कंटेनर लेने में हमें ध्यान रखना है वो एयर टाइट कंटेनर हो, तभी हमारी आइसक्रीम बहुत ही अच्छी बनेगी। अब इसमें हमें इसको डाल लेना है। और इन्हें हम या तो आप ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लीजिए या फिर आप इन्हें टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हैं या चॉकलेट चिप्स भी डाल सकते हैं। हम इसमें फ्रूटी डालेंगे इसमें, क्योंकि बच्चों को इसका फ्लेवर बहुत ही पसंद आता है। आइसक्रीम कोई भी हो,
या केक हो, उसमें ये टूटी फ्रूटी उन्हें बहुत पसंद आता है, तो एक इसमें हम ये टूटी फ्रूटी डालेंगे और दूसरे में मैं चॉकलेट चिप्स डालूंगी। देखिए कितनी आसान तरीके से ये हमारा मैंगो आइसक्रीम बनकर तैयार हो रहा है और सिर्फ 3 सामान से। अब इसे हमें कवर कर देना है और फ्रीजर में हमें 4 से 5 घंटे के लिए इसे रख देना है और 4 से 5 घंटे के बाद हम इसे निकाल करके एक बार और मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद फिर एक बार रखेंगे और फिर उसको 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे। लगभग हमारा 6 से 7 घंटे में मैंगो आइसक्रीम बनकर तैयार हो जाएगा और बाकी के बचे हुए मैं इस तरह से मोल्ड में डालूंगी। इस तरह से आइसक्रीम में हमारे पास मोल्ड है, उसमें डालेंगे और कुछ इस तरह से कंटेनर मार्केट में आता है, आप इस तरह से ले लें, मैं इसमें डालूंगी। इसमें बच्चे बहुत पसंद करते हैं तो इसलिए मैं इसमें भी थोड़ा सा डालूंगी ताकि बच्चों को खाने में मजा आए। और बीच में इसमें चॉकलेट चिप्स डालेंगे ताकि इसका क्रंच मुंह में आएगा तो बच्चों को बहुत ही मजा आएगा। तो ये हमने 3 तैयार कर लिया है। अब इस तरह का कंटेनर आपको मार्केट में आइसक्रीम के लिए मिल जाएगा, अक्सर ये मूस वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। मैं इसमें आइसक्रीम जमाऊंगी और एक लेयर बीच बीच में टूटी फ्रूटी की डालेंगे और फिर ऊपर से हमें डालना है इसमें और इन्हें रख देंगे। हमारे ये कप वाले कंटेनर में और आइसक्रीम मोल्ड में और 2 ये हमारे तैयार हो गए हैं। अब इन्हें हमें 4 से 5 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देना है और 4 से 5 घंटे के बाद जब ये हमारा तैयार हो जाएगा तब मैं आपसे मिलती हूँ। ये हमारी आइसक्रीम तैयार हो गई है। हमारी ये आइसक्रीम तैयार होने में 7 से 8 घंटा लगा है और 7 से 8 घंटे में ये हमारी आइसक्रीम दोनों तैयार हो गई है। ये देखिए काफी कितनी अच्छी ये हमारी बनकर तैयार हुई है, मार्केट जैसी ये आइसक्रीम हमारी तैयार हुई है। इसी तरह से ये मोल्ड में हमने जो रखा था मैंगो आइसक्रीम, ये मोल्ड वाला भी तैयार हो गया। मैं अब इसको निकाल करके दिखाऊंगी आपको। निकालने के लिए जिस भी स्पून से आप निकाल रहे हैं उसको एक गर्म पानी में आप डाल लेंगे और गर्म पानी में डालने के बाद आप इस तरह से देखिए बहुत ही बढ़िया हमारी आइसक्रीम बनी है। आइसक्रीम में एयर टाइट कंटेनर आप इस्तेमाल करेंगे तो कभी भी आपका बर्फ का जो क्रंच आता है वो उसमें नहीं आएगा। ये हमारी स्क्वायर वाली कंटेनर की आइसक्रीम ये हमने निकाल के रख दी है। अब इसमें मोल्ड में जो हमने डाला था उसे मैं निकाल के दिखाऊंगी। अगर मोल्ड से निकालने में दिक्कत हो रही है तो आप इसको पानी में थोड़ा सा डाल लें 1 से 2 बार या हाथ से ऐसे रफ कर लें, आपकी गर्माहट से ये फिर ये अंदर की आइसक्रीम ये छोड़ देगा। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी बनकर तैयार हुई है। ये हमारी मैंगो आइसक्रीम बनकर तैयार हो गई है, आप इसे जरूर ट्राई करें। आपको हमारी मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं और हमारे हंग्री स्पून चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपना, अपने परिवार का, बच्चों का, बुजुर्गों का ख्याल रखें, साथ में मेरी प्यारी प्यारी बेटियों का बहुत बहुत ख्याल रखें, उन्हें बहुत बहुत प्यार दें। थैंक यू। Thanks for watching. Stay tuned with Hungry Spoon.